अब हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ लॉज, जो कि हम जिसको हमने क्या नाम दिया है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, की पूरी केमिस्ट्री जो केमिकल हमारे कंबाइन होते हैं, मोलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, वो किन लॉज पे डिपेंड होती है। इस लॉ को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हम लोगों ने क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा था, उसके अंदर हम लोगों ने रिएक्शन को बैलेंस भी किया था। क्यों किया था? वीडियो को स्टॉप करो अभी के अभी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि हम लोगों ने रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया था। व्हाट इज द रीजन व्हाई वी शुड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? फाइन, अगर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है तो अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं। यही हमारा फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ये कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। और सिंपल वे में वो बोलू, रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट के। व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट? सॉल्यूशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट सॉल्वेंट को हमने रिएक्टेंट बोल दिया है एंड राइट साइड वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। सो रिएक्टेंट का जो मास होता है वो किसके बराबर आना चाहिए? प्रोडक्ट के मास के बराबर आना चाहिए। एक इक्वेशन लिखता हूं, N2 plus H2 gives NH3, gives NH3। अगर मैं N2 की बात करूं तो कितना आएगा? एक नाइट्रोजन का कितना? 14, 2 के कितना हो गए? 28 ग्राम। 2 हाइड्रोजन के 2 ग्राम। नाइट्रोजन की बात करता हूं, 14 plus 3 कितना आया? 17 ग्राम। अगर मैं 28 और 2 को ऐड करता हूं तो यहां आता है रिएक्टेंट का मास 30, प्रोडक्ट का कितना आता है? 17। कितना आता है? 17 ग्राम। तो रिएक्टेंट का मास के प्रोडक्ट का मास इक्वल हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। इसीलिए मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। बैलेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? N2 plus 3H2 gives 2NH3। अब इसी को देखो, इसको हम अगर अब मैं फाइनल निकाल रहा हूं, 17 टू जा 34 ग्राम। अब इसके अंदर मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? 3 टू जा 6 ग्राम, और इसको प्लस करूंगा तो यहां भी कितना आएगा? 34 ग्राम। अब हमारा जाके फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, यहां पर अप्लाई होता है। ये हमारा क्या कहलाता है? फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ पे चलते हैं, लॉ ऑफ, ये एग्जांपल मैंने दूसरा एग्जांपल है, ये भी समझा देता हूं। हम लोगों ने यहां पे क्या किया, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया हुआ है। इधर क्या किया हुआ है? हीटिंग द कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्रोड्यूसेस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं हम लोग? लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। तो यहां बोला हुआ है 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस कैल्शियम ऑक्साइड 5.6, 4.4 ग्राम ऑफ कार्बोनेट। दोनों को प्लस करेंगे 10 ग्राम आ रहा है, ठीक है। दोनों मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल आ गए, यही हमने इस लॉ में पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट लॉ कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल डेफिनेट प्रोपोर्शन, एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन ओनली। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि अगर कोई भी एलिमेंट्स हमेशा जब कंबाइन होगा तो वो किसी स्पेसिफिक रेशियो में होगा, उसको इससे मतलब नहीं है कि वो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं उसके अंदर। अब क्या मैं कह रहा हूं, इसको बड़े सिंपल सी बात में बोलता हूं। आप ना अपना आरओ का पानी ले आओ, मैं अपने घर का पानी ले जाता हूं, आरओ का पानी ले जाता हूं, हम ट्यूबवेल का पानी ले लेते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया का पानी ले लेते हैं, हम गुड़गांव का पानी लेते हैं, हम दिल्ली का पानी ले लेते हैं, ठीक है। हमने इन सब जगह का पानी लिया, वॉटर देखा, और हमने देखा सबका जो फॉर्मूला है वो क्या है? H2O ही आएगा। रेशियो की बात करो तो 2:16, 1:8। उसको इससे मतलब नहीं है कि आप 2 लीटर लाए हो, मैं 10 लीटर आया हूं, कितना हम लोग ऐड कर रहे हैं। जो उस वॉटर की जो इस एक कंपाउंड की जो रेशियो है वो डेफिनेट है, वो फिक्स्ड है, दैट इज 1:8, वो है 1:8। ये हमारा सेकेंड लॉ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट लॉ की तरफ हम मूव करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ में क्या कहता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, या आपको डिफाइन करता हूं, मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी ले रखा है। इस लॉ में कहा जाता है, पहले मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको, सुनिए।
मान लीजिए एक कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, दो प्रोडक्ट, एक बार कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल बिकम कार्बन मोनोक्साइड, दूसरा कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू द कार्बन डाइऑक्साइड, विल गिव यू द कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो गया कार्बन मोनोक्साइड। अब सुनिए, यहां पर 12 ग्राम कार्बन यूज हो रहा है हमारा, कितना ग्राम यूज हो रहा है, 12 ग्राम कार्बन, ऑक्सीजन कितना यूज होगा, इसको वो कर लीजिए बैलेंस, ऑक्सीजन होगा 16 ग्राम, कितना होगा ऑक्सीजन 16 ग्राम, इसकी मैं बात करूं यहां पे 12 ग्राम कार्बन, लेकिन यहां कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है 32, कितना 32। फिर सुनिए, दो रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर सेम, एक बार कार्बन ऑक्सीजन कार्बन मोनोक्साइड बना रहा है, एक बार कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, दोनों रिएक्शन में कार्बन का तो मास फिक्स्ड है, कार्बन का तो मास फिक्स्ड है, लेकिन राइट साइड यहां पे ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम और 32 ग्राम, इनको उठा लो, 16 एंड 32 की रेशियो आप निकाल लीजिए, 1:2 कितना आ रहा है 1:2। ये समझ आया, ये समझ में आया। अब यही हमें पढ़ना है, क्या द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन कार्बन मोनोक्साइड टू द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट डाइऑक्साइड इज 2:1, सिंपल रेशियो, फाइन। ये एग्जांपल समझ में आया, अब सुनो इस लॉ में क्या कहता है कि व्हेन जब भी जब दो सेम एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, ठीक है, यहां कार्बन मोनोक्साइड कंबाइन होंगे, कब, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक जगह कार्बन मोनोक्साइड और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड, तो इंडिविजुअल एलिमेंट जिसका मास सेम होगा विद द सेम मास टू द अदर एलिमेंट, जिसका सेम मास है टू द अदर एलिमेंट, ऑलवेज एग्जिस्ट इन द सेम स्मॉल रेशियो ऑफ होल नंबर, कितना आया था यहां 16 या 32। ये लो हमारा इस चीज के बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लो की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड गे-लुसाक लो। गे-लुसाक लो में क्या बात की हुई है, अभी तक हम क्या बात करते हैं होल नंबर्स में, मास में बात कर रहे थे, अब लोग हम वॉल्यूम्स में बात करेंगे, किसमें बात करते हैं वॉल्यूम्स में बात करते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है इसको भी सुनिए, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसियस रिएक्टेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर इन्होंने बोला है, नहीं बोला, यहां पर मान लीजिए वन वॉल्यूम, यहां वन वॉल्यूम, और कितना बना रहा है ये टू वॉल्यूम बना रहा है, ये मान सकते हैं 50 ml 50 ml विल गिव यू द 100 ml, ठीक है। तो उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा स्मॉल नंबर्स में, देखो 1:1:1:2, ठीक है। तो बस इतना इन्होंने बोला है कि एक्सप्रेस इन स्मॉल होल नंबर, कि जो भी हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेशियो होगी वो स्मॉल होल नंबर्स में, कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 1 और 2, ये क्या होता है स्मॉल होल नंबर्स की रेशियो होगी, कभी भी हमारा स्मॉल होल नंबर्स के अलावा कोई और रेशियो नहीं आनी चाहिए। लास्ट लो की हम बात करते हैं, ये बोलता भाई सिंपल सी बात है, जितनी वॉल्यूम बढ़ाओगे उतने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते चले जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बोला नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते चले जाएंगे, कैसे, देखिए आपने एक बकेट ली, बाल्टी ली, उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाला, कुछ वॉल्यूम एक्वायर हुई, उसमें कुछ पानी के नंबर ऑफ मोल्स आए, मॉलिक्यूल्स आए, अब आपने और वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया तो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं कैसे समझा सकता हूं, मान लीजिए आपके पास क्या है हाइड्रोजन की कुछ गैस है, टू वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास है टू वॉल्यूम या टू लीटर, मान लीजिए 2 लीटर आपके पास, 2 लीटर मेरे पास हीलियम की गैस है, जब हम दोनों ने देखा तो हम दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से गैसियस के, ये हमारा लो कहलाता है क्या, ये सॉरी एवोगैड्रोस लो, लास्ट लो विच इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लो। ये चार लोज के बारे में हम लोगों ने बात करी, आप लोगों को समझ में आया, इसी चार लो के बारे में बात करी, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गे-लुसाक लो, एंड लास्ट इज एवोगैड्रोस लो। इन पे न्यूमेरिकल्स है, ज्यादा पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे आप एक एक क्वेश्चन जरूर करेंगे, और जब हम वीडियो न्यूमेरिकल सीरीज चलाएंगे न्यूमेरिक्स की, तब हम लोग इस पे सब बात करेंगे। ओके, अब हम लोगों ने लॉज पढ़ लिए, अब हम डेल्टन भाई साहब को भी पढ़ लेते हैं। डेल्टन भाई साहब ने बहुत चीजें बताई थी, उनकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, और फिर अपडेटेड उसकी एटॉमिक थ्योरी भी आई थी हमारी डेल्टन की, बट हम मेन पोस्टुलेट्स पे ध्यान देंगे। पहला डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है, कि जितने भी हमारे मैटर्स है
जितने भी हमारे मैटर्स है, मैटर के पार्टिकल्स, वो हमारे एक छोटे पार्ट बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने, विच इज कॉल्ड एटम। और आपको पता है एटम को हमने क्या नाम दिया हुआ है? इनडिविजिबल। क्या नाम दिया हुआ है? इनडिविजिबल बोला हुआ है। इनडिविजिबल का मतलब इससे ज्यादा हम लोग उसको पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, एटम्स को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं, उसी में मैंने पार्ट में यूज कर लिया है। इसको हमेशा हम क्या कर सकते हैं? इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा था अभी। चलिए, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम्स जो हमारे स्पेसिफाइड एलिमेंट्स होते हैं, जब हमारे कोई स्पेसिफाइड एलिमेंट्स होते हैं जो मास में आइडेंटिकल होते हैं, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। मास सेम होने का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल इन मास, मास में सेम है। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या? सिंपल सी बात है भैया, अगर आप हो, आपकी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। तो डाल्टन ने क्या बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट एटम, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, जो कि हम मोस्टली दो तीन लॉज में यही पढ़ा था कि एटम्स जब कंबाइन होंगे तो वो स्मॉल नंबर में ही, होल नंबर्स में कंबाइन होंगे, स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन होंगे, जिससे वो कंपाउंड बनाएंगे। CO2 ले लीजिए, H2O ले लीजिए, कोई भी कंपाउंड लेंगे तो जब इनमें एटम्स की जो रेशियो होती है वो स्मॉल होल नंबर्स में मिलती है। समझ में आया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास देखो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट, सारे जितना भी चैप्टर है वो ओवरऑल 99% में कवर कर रहा हूँ यहीं पे। जो अब आपको अगर बाहर से भी किसी चीज की जरूरत होगी, पहले तो जरूरत पड़ेगी नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, नोट्स की मिल जाएगी आपको, डीपीपी भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो ज्यादा आपको सोचना नहीं है ये बुक ले लू, यहां से कर लू, वो कर लू, एक चीज पे स्टिक रहो, उसी से हम कंसिस्टेंसी से चलते रहेंगे। एटॉमिक मास, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिकमेंडेशन बोलूंगा कि जो भी आपने नोटबुक बनाई है, वो आपकी चाहे स्कूल की होती है, चाहे आप हमसे मेरे से पढ़ रहे हैं, आपने अपने खुद के नोट्स की बनाई है, उसके स्टार्टिंग में ही 1 से 20 एटॉमिक नंबर्स लिख लीजिए, उसके मास लिख लीजिए और उसकी वैलेंसी लिख लीजिए। ये बहुत काम आएगी। मास में जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उसको आप स्टार जरूर लगाएंगे। स्टार्स कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, क्लोरीन हो गया, इसका आर्गन हो गया, कैल्शियम, पोटाशियम हो गया, इन सब के आप सर्कल कर लेंगे जिससे आपको याद रहेंगे। फाइन, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके सारी चीज समझाता जा रहा हूं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते सर, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, मोलर मास, यूनिट में क्या हम करते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता। सुनो, अगर मैं बात करूं, व्हेन वी टॉक अबाउट द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो जब भी एटॉमिक मास, छोड़ो एटॉमिक मास और मोलिक्यूलर, तो जो इसका मास कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा 2U। यूनिट क्या आएगी? यू। लेकिन जब भी जब जहां पर ग्राम वर्ड यूज हो जाए, ग्राम मोलिक्यूलर और ग्राम एटॉमिक मास, वहां पर हम लिख देंगे 2 ग्राम। क्या लिखेंगे? 2 ग्राम। एक लास्ट और होता है जब हम आगे पढ़ेंगे, मोलर मास, वहां हम लिखेंगे 2 ग्राम पर मोल। अब आपको क्लियर हुआ? अब आपको क्लियर हुआ कि कौन सी चीज में हम कौन सी यूनिट का ध्यान रखेंगे, क्या लिखेंगे? फाइन, चलिए ओके। तो अभी हमने पढ़ लिया एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में, मोलिकुलर ग्राम मोलिकुलर मास में, मोलर मास में क्या डिफरेंस है। अब आज हम इस लास्ट की इस वीडियो को एंड करते हुए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो कि आप लोगों को मोस्टली सबको आता भी होगा, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि कोई भी मोलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड है तो उसका हम मास कैसे निकालते हैं, उसका मास कैसे निकालते हैं। मैं शुरुआत करता हूं H2 से। H2 से हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन कितने हैं इस केस में? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, सो 2 × 1 = 2U। सेकेंड मैं बात करता हूं CO2 के लिए, तो कार्बन का कितना मास होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 2। तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना, जब हम डिफरेंट एटम्स को हम जब बात करेंगे तो डिफरेंट एटम्स का मास
ऐड होता है, क्या होता है, ऐड हो जाता है। इसका आंसर आएगा 44 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर, H2O, टू बिकॉज फॉर हाइड्रोजन आर टू एंड इनटू वन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, आपका आएगा 18 ग्राम। एटॉमिक मास की बात करें तो यू लिख लीजिए यूनिट, ठीक है, आया आपको समझ में। तो मैं अब आपको लिए, आपके लिए एक होमवर्क देके जा रहा हूं। होमवर्क आपके लिए क्या है कि कुछ मैं मॉलिक्यूल्स, कुछ आपको कंपाउंड्स यहां पे दे रहा हूं जिनका आपको मॉलिक्यूल मास निकाल के रखना है, और आप जब निकाल लोगे तो कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट वीडियोज में अगर आपको किसी का समझ में नहीं आया, अगर कमेंट बॉक्स में बताओगे सर इसका मॉलिक्यूल मास नहीं समझ में आया कैसे आया, तो वो भी मैं आपको बता के रखूंगा। चलिए 12 मैंने आपको कंपाउंड्स दिए, आपको इन सब का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। आप अभी आपके लिए छूट है, आप एटॉमिक, लेकिन आप मेंशन ऊपर करना, अगर आप सबका एटॉमिक मास निकाल दो तो यू लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास लिख रहे तो ग्राम लिखेंगे, और अगर आप मोलर मास निकाल रहे हैं तो ग्राम पर मोल लिखेंगे। तो आज के लिए यहीं पे हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। तो आज कल आज के हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट सुनते डर लग जाता है भाई सभी को, आपको समझ में नहीं आता है, बट कोई बात नहीं, इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को इतने आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक बार पढ़ने की जरूरत है, और कैसा भी क्वेश्चन दे दे आप उस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर सकते हो। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपको समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर भी जरूर करेंगे। ओके, एंड लास्ट, क्लास 11 स्टार्ट हो चुकी है, 10th के रिजल्ट को भूल जाना है, क्लास 11th पे हमें फोकस करना है, और आगे हमें किस तरीके से जर्नी को बढ़ाना है उस पे हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।